आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। ओम विदेहि देवि कल्याणम विदेहि परमं श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विशो जहि। सभी का कल्याण करने वाली जगत जननी माँ जगदम्बा, जो सबका परम हित चाहती है, वो हमें रूप दे, जय दे, यश दे और हमारी बुराइयों को हटा दें। यहाँ पर एक भेद है जो आपको समझना चाहिए। रूप हमारे सत्कर्मों का, जय हमारी कमियों पर और यश सभी की अच्छाई करने के लिए, साथ साथ में हम बुराइयों को भूल जाएं। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ इस दिन की दे रही हूँ मंगलमय बधाइयाँ। बधाइयाँ जी बधाइयाँ। आज 26 मई 2023 चंद्रमा कर्क राशि में रात्रि 8:48 तक, उसके बाद सिंह राशि में नक्षत्र है आश्लेषा रात्रि 8:48 तक, उसके बाद मघा नक्षत्र। मेष राशि, आप लोगों के लिए आज चंद्रमा की ये मूवमेंट थोड़ी सी बेचैनी देने वाली है, फिर भी आपकी यात्राओं में आपको फायदा होगा, पैसे आएंगे, धन आएंगे, माता पक्ष की तबीयत संभालना जरूरी है। वृषभ राशि, आज परिवार से फायदा होगा, धन आएगा, बोलने चालने के कामों से पैसों में वृद्धि होगी और मीठा बोलेंगे, व्यवहारिक और व्यवसायिक बोलेंगे तो फायदा होगा। मिथुन राशि, बहुत सुहाएगा आज आपको चंद्रमा, आज आपके कई सारे काम व्यवसाय से रिलेटेड होंगे, आप बहुत खुश हैं क्योंकि आज आपका मन ही प्रसन्न है और आर्ट और मीडिया से रिलेटेड काम भी हो रहे हैं, परिवार से सपोर्ट है। कर्क राशि, प्रेम संबंधों से आपको फायदा हो सकता है, आज विदेश रिलेटेड काम बन सकते हैं, थोड़ा सा तबीयत संभालने की जरूरत है, न हो तो कृष्ण की और विष्णु की आराधना कीजिए। सिंह राशि, आपके लिए आज का दिन धन देने का दिन, आपके विदेश रिलेटेड कार्यक्रमों से पैसा आएगा और खर्च भी हो जाएगा, आज प्रेम संबंध वाले लोग आपके साथ मिलकर धन कमा सकते हैं और विदेशों में भी आपको फायदा होगा। कन्या राशि, आज के दिन आपके धन आएंगे आपके व्यवसाय से, जिस तरह आए हैं उस तरह जाने की भी व्यवस्था पहले सोच रखी है आपने, केसेस विवाद में व्यवहारिक विचार और व्यवसायिक विचार से आपकी मुक्ति हो सकती है, पिता के साथ व्यवसाय कर सकते हैं। तुला राशि, व्यवहारिक ज्ञान बढ़ेगा, व्यवसायिक ज्ञान बढ़ेगा और आप कमाएंगे पैसों में, आज का दिन थोड़ा सा संभल के रहें अपने पिता की तबीयत के लिए और समझदारी से पैसे लगाएं, आपको फायदा होगा, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार भी बनेंगे। वृश्चिक राशि, आज का दिन आप व्यवसाय के लिए निकले हैं तो आपके काम बनते नजर आते हैं, मुझे थोड़ा सा यात्रा में अपनी तबीयत संभालें, दवाइयां खाना पीना साथ लेकर जाएं, बड़े भाई बहनों के साथ मन मुटाव ना करें। धनु राशि, आज के लिए इतना ही काफी है कि आपके काम बन रहे हैं, आपके विवाहित जीवन के सपोर्ट से, आपके पिता के सपोर्ट से, तो व्यवसाय को बढ़ाइए, अपने ससुराल पक्ष के साथ भी आज काम बन सकते हैं। मकर राशि, विवाहित जीवन और व्यवसायिक जीवन के पार्टनर के साथ मिलकर बड़ा व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं, नए ऑफर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं और कामों को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। कुंभ राशि, आज के दिन आप लोन्स वगैरह ले सकते हैं लेकिन तबीयत को संभालने की सख्त जरूरत है, आज मानसिक बेचैनी है आपको अगर, तो आप कर सकते हैं कृष्ण की आराधना और अपने बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार संभल के कीजिए। मीन राशि, आज के दिन आपके कई सारे काम ऐसे जो आपके बच्चों के साथ आपको मिलकर करने थे, रेनोवेशन वगैरह या विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर करने थे, प्यार से उनके साथ काम कीजिए, थोड़ा सा कम बोलिए और उनको मनाने की कोशिश कीजिए, आपका व्यवसाय बढ़ेगा। आज का चंद्रमा सबसे ज्यादा सुहाता है मिथुन राशि को, आज आप बहुत खुश रहेंगे, आज आपके ढेर सारे काम बनेंगे, ना हो तो मुझे बताइएगा लिख कर के वाकई में आज आपके काम बने हैं कि नहीं, क्योंकि आज आपके पैसों के काम भी बनेंगे और आपको बड़ा काम होने की भी खुशी रहेगी। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात।
मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ। आज मैं आपको बता दूं कि दरवाजे पर अगर तुलसी का पौधा रखें तो आपके जीवन में कभी नकारात्मकता नहीं आएगी। लेकिन कई लोग कहेंगे हम फ्लैट में रहते हैं, दरवाजे पे तुलसी का पौधा जो है मुरझा जाएगा। कोई बात नहीं, आप इसे किसी खिड़की में भी रख सकते हैं। और अगर विशेष दिन आए कोई, जैसे तुलसी विवाह वगैरह या कोई त्योहार, तो उसकी दरवाजे पर रखकर उस पौधे की पूजा जरूर करें और उसके इर्द गिर्द चक्कर भी काटे, नकारात्मक ऊर्जा बॉडी में से भी निकल जाएगी। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। तो आइए किसी एक की समस्या का समाधान ईश कृपा से किए देती हूँ। विजय चौधरी जी जयपुर से लिखते हैं, धंधा सही नहीं चल रहा, दुकान पर बैठे बैठे ऊब जाता हूँ, नंबर दिया है 14। विजय सिंह जी, नया नया कुछ तो फंडा चलाना चाहिए, हर बार कुछ नया करके दिखाना चाहिए, कुछ स्ट्रैटेजीज बदलनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेल लगाते हैं, कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऐसा कुछ कीजिए ताकि आपका बिजनेस चले। और जो नंबर दिया है आपने 14, उसके अनुसार विजय सिंह जी आपका बिजनेस चल सकता है, थोड़ा सा मेहनत बढ़ाइए। हो गया जी इनकी समस्या का समाधान। फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।